हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने आज बिना उबाले मैगी बनाया है। आप भी इस तरह बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी आता है खाने में। आप इसमें सब्जियां अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो कद्दूकस करके। चलिए आपको बताते हैं किस तरह ये बनाया जाता है। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। मैगी बनाने के लिए हमने मैगी ले लिए हैं, टमाटर कट कर लिए हैं, गाजर को कद्दूकस कर लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमने मटर ले लिए हैं मैगी में डालने के लिए। चलिए अब बिना उबाले मैगी कैसे बनाया जाता है। देखिए, कढ़ाई में हम तेल डाल लेते हैं इस तरह से। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर डालेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। इस तरह चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके साथ हम मटर डाल देते हैं। इसके साथ मटर डाल देते हैं, वो भी जल्दी से फ्राई हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम नाश्ता में इसे बना के खा सकते हैं, टिफिन भी ले जा सकते हैं इस तरह से। देखिए, इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, जल्दी से टमाटर गल जाएगा हमारा। इसी वक्त हम इसे मिर्ची डाल देते हैं और इसमें गाजर डाल देते हैं इस तरह से। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें गाजर मटर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब एक मिनट के बाद हम इसमें मैगी डाल देते हैं। मैगी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे इस तरह से, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालते हैं, इससे जल्दी ये पक जाएगा। हमें अलग से इसे पकाना नहीं है, इसी के साथ ये भी हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं मैगी मसाले, थोड़ी सी हल्दी। देखिए, इस तरह से आधा चम्मच हल्दी हम इसमें डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हम ढक देते हैं इसे 2 मिनट के लिए, इस तरह ढक देते हैं। उसके बाद ये पक जाएगा हमारी मैगी बिना उबाले। आप इस तरह से बना सकते हो। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, जिससे रेसिपी आप तक पहुँच सके। देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे, फटाफट ये बन भी जाएगा और सभी को बहुत पसंद भी आता है। आप जल्दी में रहोगे, इस तरह बना के खा सकते हो। चलिए, 2 मिनट के बाद इसे हम देखते हैं हो गया है कि नहीं। चलिए, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तेल भी इसमें देखिए ऊपर आ गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया। हम गैस कर दे रहे हैं बंद। देखिए फ्रेंड्स, बिना उबाले हुए मैगी देखिए हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आप लंच में, डिनर में किसी वक्त ले सकते हो। इसमें अपने पसंद के हिसाब से आप सब्जियां भी डाल सकते हो। अगर बच्चों को जो सब्जियां नहीं पसंद है, आप इसमें कद्दूकस करके डालिए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और बच्चे वो सब्जी भी खा सकेंगे उसमें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।